बलियापुर में धर्म परिवर्तन को लेकर हुआ बवाल। क्रिश्चियन मिशनरी के पास्टर पर प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। बलियापुर में धर्म परिवर्तन का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला बलियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आमझर के रविदास टोला का है। आमझर गांव के 5 परिवारों द्वारा क्रिश्चियन धर्म अपनाए जाने के बाद उनके यहां प्रत्येक रविवार को पास्टर के आने और प्रार्थना सभा आयोजित किए जाने की जानकारी पर टोला एवं बजरंग दल के लोगों ने रविवार 11 सितंबर को जमकर बवाल किया। इन लोगों द्वारा धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को वापस सनातन धर्म अपनाने की बातें कही जा रही थी, लेकिन वे लोग मानने को तैयार नहीं थे। सूचना पर बलियापुर पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया और पास्टर सहित धर्म परिवर्तन करने वाले परिवारों को बलियापुर थाना ले आए। काफ़ी संख्या में टोला एवं बजरंग दल के लोग भी बलियापुर थाना पहुंचे। बजरंग दल एवं टोला के लोगों का कहना था कि देश का सर्वोपरि धर्म सनातन धर्म है, बावजूद गाँव के सीधे साधे लोगों को पैसे आदि का प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इधर धर्म परिवर्तन करने वाले मधुसूदन दास, बेबी देवी, दीपक दास, प्रियंका देवी, बीनू देवी, कृष्णपदो दास, अनिल कुमार दास, शंकर रविदास, अंबिका देवी, जूही देवी, लाली देवी, उमा देवी का कहना है कि वे लोग बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से क्रिश्चियन धर्म अपनाया है, किसी भी कीमत पर वापस सनातन धर्म में नहीं जाएंगे। ईसाई मिशनरी के पास्टर असीम कुमार नंदी ने बताया कि किसी को जोर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा रहा है, लोग अपने इच्छा से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। मामले को लेकर आमझर एवं बजरंग दल के लोगों ने थाना में लिखित शिकायत कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। मामले पर दोनों पक्षों ने थाना प्रभारी के समक्ष अपना अपना पक्ष रखा है। थाना प्रभारी श्वेता कुमारी ने कहा कि 3 परिवारों पर धर्म परिवर्तन करने का आरोप है, जाँच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों का कुछ मौखिक कंप्लेन मिला कि हमारे यहाँ कोई धर्म परिवर्तन से मामला है, जिस मामला को ये यहाँ से जो बस्ती पदाधिकारी को निर्देशित किया गया, जिसमें फिर धर्म परिवर्तन करने वाले और करवाने वाले सभी लोग थाना पे आए हैं। दोनों पक्ष का मामला मौखिक आया है अभी और दोनों पे जांच किया गया है, आपस में दोनों समझौता कर रहे हैं अभी और आगे जैसे जाँच में आएगी फिर आगे की कार्रवाई। कुल कितने लोगों के धर्म परिवर्तन में शामिल देखा जा रहा है? धर्म परिवर्तन में शामिल है कि नहीं है वो जांच करने के बाद पता चलेगा कि क्या। आरोप कितने पर है मैडम? आरोप 3 घर पे है। मौके पर मुखिया धर्मेंद्र रवानी, राजेश रविदास, विकास दास, विजय दास, बबलू दास, समीर परमानिक, मुकुल रोहिदास, गंभीर दास, सनातन रविदास आदि मौजूद थे। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कौन सा धर्म में जा रहे हैं ये लोग? ये लोग क्रिश्चियन धर्म में, ईसाई, जो हम लोग का नियम का विरुद्ध। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग तो ऐसा नहीं चाहते हैं कि हम लोग हिंदू लोग ऐसा धर्म में जाए, हम लोग मना करेंगे, कोशिश कर रहे हैं। अगला जो है वो लोग क्या कह रहे हैं कि उनको धर्म परिवर्तन करना है, या आप लोगों को, आप लोग जो बात कह रहे हैं उसको वो लोग मानने पर सहमत हैं? अगला से तो अभी हम बात नहीं किए हैं, बात करके फिर बताएंगे। फ्रेश, जो बच्चों की सेहत से करे प्यार, वो क्वालिटी ब्रेड से कैसे करे इनकार। हमारा पता है आरा मोड़, रेलवे गेट नंबर 1, धनबाद। मोबाइल नंबर 7004067520। किंग्स ऑर्गेनिक टमाटो केचप, धनबाद के किसानों द्वारा जैविक विधि से उत्पादित टमाटर का बिल्कुल शुद्ध उत्पाद है। टमाटर की खेती भी कृषि विशेषज्ञों के देखरेख में बिना किसी हानिकारक कीटनाशक के प्रयोग से की जाती है। गोपल किसानों के समृद्धि के साथ रखती है लोगों के सेहत का ख्याल, तभी तो गोपल कहता है आप रखे किसानों का ख्याल और वो रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल। किंग्स ऑर्गेनिक टमाटो केचप, शुद्ध खाओ, स्वस्थ रहो।